अस्सलाम वालेकुम जी वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट आज का हमारा लेसन है लेसन फोर्टी वर्ल्ड इंग्लिशज़ एंड लेक्सिकोग्राफी दिस लेसन इज़ अबाउट द डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशज़ टॉपिक टू थर्टी फाइव देखिए जिसमें हमने लेक्सिकोग्राफी पढ़ना है लेक्सिकोग्राफी किसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एडिटिंग एंड कंपाइलिंग ए डिक्शनरी तो डिक्शनरी को कंपाइल करना उसको राइट करना एडिट करना जो होता है वो हमारे पास लेक्सिकोग्राफी कहलाता है और उसके जो ओधर होते हैं इसके जो एडिटर होते हैं है, उसको हम लेक्सिकोग्राफर कहते हैं ठीक है उसके अलावा यहाँ पर दो टर्म्स यूज़ की गई हैं लेक्सिकोग्राफी वर्सज लिंग्विस्टिक तो लिंग्विस्टिक आपको पता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज विच इज़ कॉल्ड लिंग्विस्टिक एंड देन वी विल टॉक अबाउट लेक्सिकोग्राफी इट्स अबाउट द डिक्शनरी ठीक है उसके अलावा डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड इंग्गलिश में इश्यूज़ आ जाते हैं कि डिक्शनरी को कंपाइल करने के प्रोसेस के दौरान कौन से इश्यूज़ होते हैं तो आइडियोलॉजिकल अंडरपाइनिंग होती है कि विच आइडिया विल बी बेटर फॉर डिक्शनरी उसके अलावा हायरिकीज़ ऑफ इंग्लिश वैराइटीज़ आ जाएगा uh, कि उस पर्पस तक स्टैंडर्ड वर्सेस नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो सीइेबल होगी या लोकल वाइटी सूटेबल होगी तो ये सारे मसले आ जाते हैं लिंग्विस्टिक लिट्रेरी कल्चरल एंड इवन पॉलिटिकल कन्सिड्रेशन मीन्स के वेर एज़ इट इस वेदर इट इज़ पॉलिटिकली अप्रोप्रिएट और नॉट ठीक है उसके अलावा यहाँ पर रोल ऑफ अ डिक्शनरी इन लजिटमाइजिंग ए वाइटी तो अगर लेजिटिमाइजिंग या वायटी के लिहाज से देखा जाए तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश जो है वो डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिक्शनरी इन दैट वैरायटी ठीक है तो वही मैंने बता दिया स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड का प्रोसेस यहाँ पर तीन टर्म्स यूज़ की गई हैं तीन टर्म्स तो नहीं खैर डिक्शनरीज की बात की गई है कि ब्रिटिश इंग्लिश डिक्शनरी जो है बाय सैमुअल जॉनसन अमेरिकन इंग्लिश डिक्शनरी बाय नो वेबस्टर मोर रिसेंटली द मैक्वेरी डिक्शनरी ऑफ ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ठीक है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए आ सकता है किसी भी एंगल से एग्जाम में कुछ भी आ सकता है तो इसलिए कुछ भी इग्नोर नहीं करना अब यहाँ हमारे पास टॉपिक टू थर्टी सिक्स आ जाता है जिसमें हमारे पास लेजिटिमेसी की डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट लेजिटिमेसी कहते किसे हैं कैन बी अंडरस्टूड एज अ शॉर्ट हैंड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड इस्टिशिंग द वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट आर यूज्ड इन वेरियस लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड तो अगर देखा जाए तो लेजिटिमेसी कहते हैं किसी चीज़ की एक कानूनी हैसियत होना और वो प्रॉपरली एक्सेप्ट की जाना ओवरऑल द वर्ल्ड वो हमारे पास लेजिटिमेसी कहलाता है ठीक है उसके अलावा फंक्शन ऑफ डिक्शनरी है तो उन्होंने बताया कि डिक्शनरी मिक्शनरी जो है उसके क्या फंक्शन है जैसा कि हमें पता है कि डिक्शनरी जो है वो कैन बी यूज एज अ रेफरेंस बुक लाइक हम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है डिक्शनरी उसके अलावा डिक्शनरी जो है वो गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू इट्स यूजर्स ठीक है यू कैन बी वेरी श्योर अबाउट दैट नॉलेजमेंट ऑफ़ लैंग्वेज वेराइटी एवर यू आर यूजिंग डिक्शनरी ठीक है जैसे कि आप लोगों को पता है तो यहाँ पर वही पॉइंट्स बताए गए हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं इनमें से आप चार पाँच पॉइंट्स कर लें uh, अपने वर्ड्स में भी लिख लीजिएगा कि डिक्शनरी जो है वो आपके लिए कितनी

पुअरली डॉक्यूमेंटेड होती हैं ठीक है थीके? इसी तरह क्राइटेरियन फॉर अ डिक्शनरी एंट्री बताया गया कि डिक्शनरी एज अ रिकॉर्डिंग ऑफ द लैंग्वेज यूज ऑफ अ कम्युनिटी डिक्शनरी जो होता है ना इज जस्ट अ रिकॉर्डर ऑफ द लैंग्वेज बट क्या होता है कि डिक्शनरी जो होती है डज नॉट कंट्रोल द यूज ऑफ द वर्ड ठीक है आप वर्ड को किस तरह यूज़ कर रहे हैं डिक्शनरी वो कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन ये रिकॉर्डर ऑफ द लैंग्वेज वर्ड होता है ठीक है इसी तरह यहाँ एक और पॉइंट बताया गया रेंज एंड डेप्थ ऑफ़ द यूज ऑफ अ वर्ड एज अ क्राइटेरियन रेंज जो है वो ये शो करवा रहा है कि नंबर ऑफ डोमेन्स जहाँ वर्ड यूज किया जा रहा है और डेप्थ वो ये शो करवाता है कि वेदर इट इज़ यूज बाय क्लास और वेदर इट इज़ यूज बाय वर्किंग क्लास और मिडल क्लास आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसी तरह यहाँ बताया गया है कि द यूज़र ऑफ स्टैंडर्ड वराइटीज़ अलाओ मोर लेवल क्या होता है कि जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनके इनोवेशन्स को जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है जो इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स होते हैं इसी तरह जो नॉन नेटिव स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश होते हैं उनकी इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता अब यहाँ पर पावर ऑफ़ डिक्शनरी की बात की गई है आपने इसे एक दफ़ा पढ़ लेना है कि डिक्शनरी की क्या पावर है वो आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है उसके अलावा आप में एक तरह से ये सलाहित आ जाती है कि आप नॉन नेटिव स्पीकर्स के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर बिकॉज आपके पास नॉलेज ज़्यादा होती है यू कैन बी वेरी श्योर अबाउट द नॉलेजमेंट ऑफ लैंग्वेज वराइटी ऑफ इंग्लिश टॉपिक टू थर्टी एट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे जिसका आंसर जो है वो दिया गया था सम क्वेश्चन टू बी आंसर्स टू सिस्टमेटिकली अंडर टास्क द अंडरटेक द टास्क तो यहाँ क्वेश्चन थे जैसे कि स्टैंडर्ड वरायटी और रीजनल तो इनका आंसर क्या था कि लेक्जिकोग्राफर विल नॉट बी एबल टू तो डू देयर जॉब इन अस्टमेटिक मैनर ठीक है इसी तरह द सोर्स ऑफ डाटा फॉर अ लेगजिकोग्राफर इंक्लूड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यूजर्स तो वो सोर्स ऑफ डाटा लेग्जिकोग्राफर के लिए उसमें क्या क्या शामिल है लिंग्विस्टिक कल्चरल पोलिटिकल यानी इन सब पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जाकर डिक्शनरी को कम्पाइल किया जाता है इसी तरह वराइटीज़ एंड लिंग्विस्टिक चेंज की बात आ गई है वाइटी एंड लिंग्विस्टिक चेंज में देखा जाए तो लिंग्विस्टिक व्यू ऑफ चेंज आ जाता है यानी कि ऑर्डनरी पीपल व्यू ऑफ चेंज कह लें आप उसके अलावा लिंग्विस्टिक चेंज एंड स्पीकर आइडेंटिटीज़ तो ये आप इग्नोर भी करें टू काइंड ऑफ रिस्पॉन्स टू लिंग्विस्टिक चेंज जो है वो एक तो कूल cool रिस्पॉन्स है कूल साइंटिफिक कॉम रिस्पॉन्स इसी तरह दूसरा जो है वो एक तरह से पैनिक काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आ जाएगा जो कि कोस फॉर अलार्म है ठीक है अब यहाँ पर हमारे पास टॉपिक टू थर्टी नाइन आ जाता है जहाँ पर कुछ मेथड्स शेयर किए गए हैं लाइक जीकोग्राफर्स के जब वो डिक्शनरी कंपाइल करते हैं तो यहाँ पर बताया गया इन्फ्लुएंस ऑफ डिक्शनरीज ऑन लैंग्वेज यूज़ तो वो क्या है कि दूसरा पॉइंट देखे द डिक्शनरी कंपाइलर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गाइडेंस अ यूज़र अक्वायर तो क्या होता है कि डिक्शनरी में मोस्टली न्यू वर्ड्स जो होते हैं उनकी गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है उसके अलावा ये इंफॉर्मेशन देते हैं एक तरह से ये एड्रेस करते हैं द कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द यूज़र्स ठीक है अगर आप लोग नॉन नेटिव स्पीकर्स के साथ बात कर रहे हैं ठीक है उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि मैथड्स यूज बाय एलेक्कोग्राफर्स तो वो उन्होंने बताया कि नोट्स एंड लेबल फॉर यूजेज तो नोट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिसम्स डिपेंड ऑन एक्सेप्टेबल यूजेज नीड ऑफ़ द यूजर्स तो वही बताया मैंने कि नीड ऑफ़ द यूज़र्स के यूज़र्स को इनफॉमेसन उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है और एक तरह से उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन ईजी बनाया जाता है बाई एक्नोलेजमेंट ठीक है अगर इस पूरे टॉपिक का मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट दूं तो यही बताया गया है कि जो लेक्सिकोग्राफर्स होते हैं वो आ, अपने यूजर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन इतनी बेटर वे में देते हैं ताकि यूज़र्स जो होते हैं वो कम्युनिकेशन में कोई शाइनस फील ना करें और वो इजीली नो नेटिव स्पीकर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें ठीक है तो वो डिक्शनरी के एडवांटेजेस ही बताए गए हैं यहाँ पर कंपाइलिंग का रीजनल डिक्शनरी की बात की गई है यानी कि अगर एक पार्टिकुलर वराइटी की बात की जाए तो डिक्शनरी को जो है वो इस तरह से कंपाइल किया जाए कि ना तो ब्रिटिश वैरायटी को फॉलो किया जाए ना अमेरिकन वैरायटी को बल्कि उनकी अपनी वैरायटी को जो है वो यूजेज में लाया जाए ठीक है अब एम क्या होता है टू सर्व द एवरेज एजुकेटेड स्पीकर ऑफ इंग्लिश टू प्रेजेंट ऑल द मटेरियल फ्रॉम अ रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू तो वही बात बताई गई है कि रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो है सारा मटीरियल प्रोवाइड करना चाहिए इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन की बात की गई है कि फोनेमिक uh, प्रोनाउंसिएशन के किस तरह से उसको प्रोनाउंस किया जाए सिस्टम में भी यूज टू तो एनेबल यूजर्स टू तो रीड एंट्री वर्ड एज देयर वराइटीज़ लीड देम टू वोवल की वर्ड एंड देयर सिम्बल इन द न्यूजीलैंड ऑक्सफर्ड डिक्शनरी ठीक है तो प्रोनाउंसिएशन में असल में वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का जो है वो तरीका ही बताया इसी तरह मटीरियल इंक्लूडिंग फिक्शन नॉन फिक्शन न्यूज़पेपर राइटिंग ये भी तीन पॉइंट्स है इसको भी देख लीजिएगा क्राइटेरियन फॉर सेलेक्शन ऑफ एंट्रीज मस्ट बी जेन्यूनली रिप्रजेंटिव ऑफ़ द वराइटीज़ फ्राम विच दे आर ड्राउन तो ये असल में यहाँ पर यही बताया गया है के लैंग्वेज जो है वर्ड्स अक्कर ओनली इन दट स्पेसिफ़िक टेक्स्ट एंड नॉट इन अदर टेक्स्ट ठीक है यानी कि उनके अपने टेक्स्ट पर डिपेंड होना चाहिए ना कि किसी और टेक्स्ट पर होना चाहिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होनी चाहिए आ, उसके अलावा डिक्शनरी के बारे में बताया था कि डिक्शनरी जो है वो क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है किस तरह आपके लिए हेल्पफुल होती है ऑफ़ वर्ड इंग्लिशज़ वर्ल्ड इंग्लिशज़ जो है वो एक डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि इसमें डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ इंग्लिश आ जा जाती हैं तो उनकी डिक्शनरी कंपाइल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट वे है लेकिन यहाँ पर डिक्शनरी की बात की गई है वर्ल्ड इंग्लिशिस की पार्टिकुलर वैराइटीज की जैसे कि अगर पाकिस्तान की वैरायटी है तो उसकी डिक्शनरी इंडिया की वैरायटी है तो उसकी डिक्शनरी ठीक है यहाँ पर उन अलग-अलग इंडिविजुअली आप कह लें डिक्शनरीज की बात की गई है ठीक है आई होप सो कि आप लो, आप लोगों को लेक्चर की समझ आई होगी आ, ये पूरा लेसन जो है सिर्फ डिक्शनरी के अकॉर्डिंग है डिक्शनरी के बारे में है बाकी आपको डेफिनेशंस का पता होना चाहिए इसमें लेक्सिकोग्राफर और लेक्सिकोग्राफिक की क्विज जो है वो आ जाते हैं बाकी इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका ये सब्जेक्ट है दुआओं में याद रखिएगा अला हाफ